बीजेपी के 3 यार ईडी ईवीएम और भ्रष्टाचार, उनको रात को 12 बजे 12:30 बजे एक फोन आता है, फोन की घंटी बजती, ट्रिन 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 ट्रिन, हेलो मैं ईवीएम बोल रही हूँ, मैं ईवीएम रानी बोल रही हूँ, पहचाना क्या मोदी जी, मैं ईवीएम बोल रही हूँ, मैं इस बार आपको 400 सीट देने जा रही हूँ मोदी जी। और मोदी जी खुश हो जाते हैं धमाकेदार, इतने खुश तो मोदी जी अपनी शादी में भी नहीं हुए होंगे जितना ईवीएम के फोन की घंटी से हो जाते हैं। ईवीएम है तो मोदी जी मुमकिन है सत्ता में, और सत्ता में मोदी जी हैं तो ईवीएम मुमकिन है। आज 3 ही इनके बाजू हैं जिनके दम पर ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की आवाज को खत्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, घोटाला करते हैं, ये वोटों के चोर हैं, वोट चोरवा है, वोटों के लुटेरे हैं। जब सत्ता का बदलाव होगा तो आपको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। अंबानी अडानी अंधभक्त की गारंटी है मोदी, और इन्हीं तीनों के दिलों में राज करते हैं। अब तो बाहर के प्रधानमंत्री नेता भी डरने लगे, हाथ मिलाए या ना मिलाए, मोदी जी से हाथ मिलाते ही सत्ता चली जाती है। आप ईवीएम का विरोध करें और ईवीएम को तोड़े, क्योंकि ईवीएम से चोरी हो रही है, ब्लैक पेपर से चुनाव होता है, तो सारे भारतीय जनता पार्टी वाले तड़ी पार, सारे तड़ी पार। जो डाका डालने वाली बीजेपी, आपके जेब को काटने वाली जो बीजेपी है, इसे हटाओ, यही ये लोकतंत्र की लुटेरी है और ये लोकतंत्र की डाकू है। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। ईवीएम का मुद्दा लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है, पूरा जन सैलाब जो है वो बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है ये। और जो अभी तस्वीरें हमने दिखाई थी आप लोगों को, किस तरीके से जो है जो बड़े नेता थे उन लोगों को डिटेन तक करके ले जा चुके हैं, और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संदीप मिश्रा जी। सर, क्या कहेंगे ईवीएम को लेकर? नूर जहां जी, जहां में अंधकार है और तुम्हें दिखता नहीं, धिक्कार है। आज जहान में क्या हालत हो गई है कि बीजेपी के 3 यार ईडी ईवीएम और भ्रष्टाचार, आज क्या हो रहा है? आज 3 ही इनके बाजू हैं जिनके दम पर ये लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को ख़त्म कर रहे हैं, लोकतंत्र को कुचलना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। मैं आज कहता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी की तपस्या को, उनके कठिन परिश्रम पर ये सवाल खड़ा करते हैं। और आने वाले समय में दुर्भाग्य से अगर ये फिर से सत्ता पर एन प्रकारण ईवीएम मैया की कृपा से अगर आ गए, तो जाहिर तौर पर ये बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ वो संविधान ही बदल देंगे जिसे बदलने के लिए इनका जन्म हुआ है। मैं कहता हूं देश के तमाम लोगों से, भाइयों से, बहनों से, जवानों, किसानों, पहलवानों, कर्मचारियों से, कि अपने हक पर जो डाका डालने वाली बीजेपी, आपके जेब को काटने वाली जो बीजेपी है, इसे हटाओ, यही ये लोकतंत्र की लुटेरी है और ये लोकतंत्र की डाकू है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने, मोदी सरकार कहती है कि हम लोगों के दिलों पर राज करते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? दिल पर ये 3 जनों के करते हैं, मोदी की गारंटी 3A के लिए है, ट्रिपल ए गारंटी है, ए फॉर अंबानी, दूसरा ए फॉर अडानी, और तीसरा ए फॉर अंधभक्त। ये अंबानी अडानी अंधभक्त की गारंटी है मोदी, और इन्हीं तीनों के दिलों में राज करते हैं। इन्हीं के पास सुबह से शाम तक एक काम दे रखा है, मोदी जी वाह, मोदी जी वाह, वाह मोदी जी वाह, मोदी जी लाल रंग की जैकेट पहन ले तो भी वाह मोदी जी वाह, काली रंग की पहन ले तो भी वाह मोदी जी वाह, मोदी जी जैकेट ना पहन के आए तो भी वाह मोदी जी वाह, ये किसान का काला कानून ले आए तो भी वाह मोदी जी वाह, कानून वापस ले जाए तो भी वाह मोदी जी वाह। अब तो इनके बच्चे पूछने लगे हैं, पापा पूरे दिन करते क्या हो, वाह मोदी जी वाह मोदी के आगे। हमारी नौकरी खतरे में है, हमारी बहनों की इज्जत खतरे में है, पहलवान खतरे में है, जवान खतरे में है, किसान सरहद पर जान दे रहे हैं, किसान खतरे में है, सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद है वो खतरे में है। सब खतरे में होते तो मोदी जी बाहर विदेशों में नहीं घूम रहे होते, उन्हें पता है सब सही चल रहा है इंडिया में, तभी तो वो घूम रहे हैं। जहां घूमते वहीं सरकार खतरे में आ जाती है। बोल के आए थे ना आपकी बात ट्रंप सरकार, और ट्रंप जेल चला गया। बिरयानी खाने गए थे नवाज शरीफ के यहाँ, उसे देश से निकाल दिया था। नेतन्याहू से हाथ मिलाया था, नेतन्याहू चुनाव हार गया था। जापान का एक प्रधानमंत्री था ना, उसे गोली मार दी थी चुनाव से। अब तो बाहर के प्रधानमंत्री नेता भी डरने लगे, हाथ मिलाए या ना मिलाए, मोदी जी से हाथ मिलाते ही सत्ता चली जाती है। मैं तो मोदी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, एक बार अपने हाथ से अपना हाथ मिला लो, आपकी भी विदाई हो जाए, ना हो जाए तो कह देना। वो इतनी गारंटी दे रहे हैं कि अब की बार 400 पार, यूं ही नहीं बोलते हैं वो, यूं ही नहीं बोलते, बिल्कुल सही कह रही हो। उनको रात को 12 बजे 12:30 बजे एक फोन आता है, फोन की घंटी बजती, ट्रिन 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 ट्रिन, हेलो मैं ईवीएम बोल रही हूँ, मैं ईवीएम रानी बोल रही हूँ, पहचाना क्या मोदी जी, मैं ईवीएम बोल रही हूँ, मैं इस बार आपको 400 सीट देने जा रही हूँ मोदी जी। और मोदी जी खुश हो जाते हैं धमाकेदार, इतने खुश तो मोदी जी अपनी शादी में भी नहीं हुए होंगे जितना ईवीएम के फोन की घंटी से हो जाते हैं। तो ये ईवीएम और बीजेपी का ये गठजोड़ है जिसकी वजह से
ये जीतते हैं, घोटाला करते हैं, ये वोटों के चोर हैं, वोट चोरवा है, वोटों के लुटेरे। मुझे लगता है कि जो अगर ईवीएम जो है कांग्रेस लाई थी तो फोन तो कांग्रेस के पास आना चाहिए ना। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस ने तो बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, बहुत सारी चीज़ें बाबा साहब अम्बेडकर भी लेके आए, बहुत सारी धारा और कानून बाबा साहब अम्बेडकर भी लेके आए, बहुत सारे कानून अंग्रेजों के समय से भी चल रहा था, लेकिन कई कानून ये बदले नहीं गए क्या, इसी संसद ने बदले नहीं क्या, 100 से ज़्यादा पुराने कानून बदल दिए ना इन्होंने, कहते ये किसी काम के नहीं थे, आज क्यों नहीं बदलते। ईवीएम को जिस देश ने पैदा किया, जिस देश ने जन्म दिया, वही देश ईवीएम से चुनाव नहीं कराते, ये तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। दुनिया के जो बड़े अच्छे देश हैं, देश राष्ट्र हैं, आप ये भी जानती हैं कि उनके यहाँ भी ईवीएम से चुनाव नहीं होता, वैलेट से चुनाव होता है। जब वो वैलेट वो स्वीकार उन्हें स्वीकार है तो भारत तो लोकतंत्र का मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है। यहाँ लोकतंत्र के साथ अन्याय अगर हो रहा है तो उस अन्याय को रोक देना चाहिए। मैं इस अन्याय के पक्षधर नहीं हूँ। यही वजह है कि राहुल गांधी जी आज जन जन को जोड़ने के लिए सड़क पर निकले, न्याय की मिसाल और मसाल बन के न्याय को लड़ाई लड़ रहे हैं और न्याय को बचाने की जो प्रतिज्ञा उन्होंने की है, मैं कहता हूँ कि छाती में ये जोर भरो, जो चोर है उसे चोर कहो, चोर कौन है ये सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है। हमारे साथ मेहताब हिंदुस्तानी जी मौजूद हैं, क्या कहेंगे, आज जितना बड़ा प्रदर्शन हुआ था, लोगों को डिटेन कर लिया गया, यहाँ तक कि मंत्री तक डिटेन हो चुके हैं, तो क्या डिटेन होने से ईवीएम मशीन बंद हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जो आज का हमारा प्रोटेस्ट था वो जंतर मंतर पर था, उसकी हमें परमिशन नहीं दी गई, यानी कि ये पता चलता है भारतीय जनता पार्टी का सॉफ्ट डर और गृह मंत्री अमित शाह जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का कि आप अपने हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकते, अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट का ऐलान किया गया था और लोगों को पता नहीं था कि वहाँ पर परमिशन कैंसिल हो गई है, लोग जंतर मंतर पर पहुँचे, उनको डिटेंड किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ बदसलूकी की गई, जो कि बाहर की महिलाएं, बाहर के लोग थे, महाराष्ट्र से, बंबई से, बेंगलोर से, दूर दूर से लोग आए हुए थे, उनको यहाँ तक आने नहीं दिया गया। और जब यहाँ पर इसका विरोध करने निकले ईवीएम का, तो आपने देखा कि हमारे ही कार्यालय में IYC में हमको बंधक बना दिया, यानी कि अब जो है जनरल डायर का मैंने कभी नाम सुना था, आज वही शासन बिल्कुल वापस आ चुका है, सिर्फ चेहरे बदले हैं, मुखौटे वही हैं। मगर मैं देश के प्रधानमंत्री जी और गृहमंत्री अमित शाह जी को बताना चाहता हूं, हम आपके धमकाने से, आपके जेल के उससे हम डरने वाले नहीं हैं, हम अपने सच्चाई पर हैं, अपने हक पर हैं और हम इसका विरोध करते रहेंगे। ऐसे ही सब जेल जाते रहेंगे तो ईवीएम को हटाने का ही जो प्रदर्शन जारी है ये तो ऐसे ही बंद हो जाएगा जब बड़े चेहरे ही जेल चले जाएंगे? देखिए, जेल तो हमारे पुरखे भी गए थे, जेल तो हमारे क्रांतिकारी भी गए थे, अगर वो जेल से डरते और जेल से डर के घर बैठ जाते तो आज मैं IYC यहाँ कांग्रेस दफ्तर में नहीं, किसी अंग्रेज के यहाँ टॉयलेट में बुरुश मारता हुआ होता। हम इन चीज़ों से नहीं डरते। अगर मैं कह रहा हूँ ईवीएम है तो मोदी जी मुमकिन है सत्ता में, और सत्ता में मोदी जी हैं तो ईवीएम मुमकिन है। बहुत ही कम समय रह गया लोकसभा चुनाव का, मतलब क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो मानने को ही तैयार नहीं हो रहे कि ईवीएम में धांधलीबाजी की जा सकती है। चुनाव आयोग को जरा एक पाकिस्तान के अधिकारी से सीखना चाहिए, एक उनकी वीडियो आ रही है, वीडियो वायरल हो रही है, उन्होंने वहां पर धांधली करने की कोशिश की, वो जनता के सामने आए, मीडिया के सामने आए, उन्होंने अपने आप को कसूरवार माना कि मुझे फांसी की सजा देनी चाहिए, मैं लोकतंत्र के साथ ऐसा घिनौना काम कर रहा था, लोकतंत्र को खत्म कर रहा था। काश यहाँ के चुनाव आयोग की आंखें खुलनी चाहिए, चुनाव आयोग तो कठपुतली बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की उंगलियों पर नाच रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। चुनाव आयोग से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि वक्त एक सा नहीं रहता, जब सत्ता का बदलाव होगा तो आपको छुपने की भी जगह नहीं मिलेगी। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होते, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है लोकसभा चुनाव का, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आगे की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से और अभी तक मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं, गली गली मोहल्ला, हर गांव, हर देहात, हर कस्बा, हर शहर, यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप ईवीएम का विरोध करें और ईवीएम को तोड़े, क्योंकि ईवीएम से चोरी हो रही है, 100% मैं साबित कर दूंगा। लोगों को ऐसे गुरुवारी फैला रहे हैं कि ईवीएम को तोड़ दें। अगर अपने अपने आप को बचाना है और अपने आप के बच्चों का भविष्य बचाना है, यूपी में देख लीजिए आप, पेपर लीक हुआ, 60,000 आवेदन भरे गए, 70 लाख
शिक्षा पहुंच गए वहां पर, यानी कि कितना बड़ा किस 200 रुपए का एक फॉर्म भरा जाता है, कितने करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा हमारे देश में? यानी कि कमजोर है सरकार, अपने वादों पर विफल है सरकार। वैसे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरी गारंटी तो आप मोदी कितने है, तो मुमकिन है ना, कहते हैं मोदी की गारंटी, विकास की गारंटी, हर चीज की गारंटी देते हैं मोदी जी। अगर देश में मोदी जी है तो जुमला मुमकिन है, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा। अगर मोदी जी हैं तो वाकई में देश में जुमला मुमकिन है। मोदी जी हैं तो युवा बेरोजगार है, मोदी जी हैं तो देश की बेटी पर अत्याचार बिल्कुल है, मुमकिन है। देश के किसान पर अत्याचार मुमकिन है, देश को लूटा जा रहा है दोनों हाथों से। और मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को, कि उन्होंने दो फैसले अहम दिए, जनता की जीत हुई, लोकतंत्र की जीत हुई। मैं यही सिर्फ उनसे उम्मीद करना चाहता हूं, अगर आपको देश को बचाना है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना है, बेटी को बचाना है, किसान को बचाना है, आपको ईवीएम पर विरोध लगाना होगा, वरना बैन लगाना होगा, वरना देश बहुत खतरे में है और बहुत गलत मोड़ पर जा रहा है। इस देश में राम के नाम पर, रहीम के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो रहा देश में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि जो ये भाजपा सरकार के, उसमें जवान परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, यहाँ तक कि महिलाएं तक परेशान है, लेकिन उसके बाद भी मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार। तो इस पर आप क्या कह रहे हैं कि अगर मैं कह रहा हूँ मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार, मैं गारंटी से कह रहा हूँ ईवीएम पर बैन लग जाए, ये कह रहे 400 पार, मैं कह रहा हूँ अब की बार अगर ब्लैक पेपर से चुनाव होता है तो सारे भारतीय जनता पार्टी वाले तड़ी पार, सारे तड़ी पार, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। तो सीधे तौर पर उन्होंने कह दिया है गारंटी से कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो जाते हैं तो अब की बार भाजपा सरकार तड़ी पार, सीधे तौर पर उन्होंने बोल दिया है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। धन्यवाद।